This is Shivam Pathshala and you are watching Motion and Time Part 1 video. इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 13 जो कि मोशन एंड टाइम है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग मोशन, उसके टाइप्स, टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सबको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। मोशन होता क्या है, तो इसका आप एक बेसिक कंसेप्ट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जहां जहां आप फिजिक्स पढ़ेंगे वहां वहां ये आपका पीछा करेगा। इसलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि मोशन होता क्या है। तो मोशन वो चीज है जो कि पोजीशन, अपना पोजीशन वो चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, सराउंडिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रेन मूव कर रही है, कोई प्लेन मूव कर रहे हैं, ऐसे ही कोई हेलीकॉप्टर चला रहा है, ये सब मोशन में हुआ। आप खुद चल रहे हैं रोड पे, ये भी एक मोशन है, क्योंकि इसमें आप अपना पोजीशन जो है टाइम के साथ में चेंज कर रहे हैं। जैसे कोई कार जो है एक घंटे बाद में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वो जो है उसका पोजीशन चेंज हुआ, उसका प्लेस चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, ये टाइम में हुआ। सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग पे जो चेंज हुआ उसे भी हम मोशन में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा है, अब हम सब जानते हैं कि बेचारे पेड़ चल नहीं सकते, तो वो अगर कोई गाड़ी यहाँ से गुजर रही है तो वो जो सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में वो आगे जा रहा है। मोस्ट ओवर जो सराउंडिंग है, पेड़ है, जमीन है, ये सबसे वो थोड़ा आगे जा रहा है, जिसे हम मोशन कहेंगे। नेक्स्ट है स्लो एंड फास्ट मोशन। हमने जाना मोशन के बारे में, अब हम सब ये जानते होंगे कि प्लेन जो होता है वो ट्रेन से ज़्यादा फास्ट होता है। हमसे ज़्यादा फास्ट जो है कोई भी गाड़ी, कार, ट्रेन, ये सब हमसे ज़्यादा फास्ट चलते हैं। तो एक जो मोशन है वो थोड़ा स्लो है, दूसरा मोशन फास्ट है, इसे हम स्लो मोशन फास्ट मोशन कहते हैं। अगर किसी के रिस्पेक्ट में किसी का मोशन जो थोड़ा स्लो है तो वो स्लो मोशन होगा, और किसी का अगर फास्ट है तो फास्ट मोशन होगा। इफ वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, ये ध्यान रखिए ये कंपैरिजन में होता है, वरना ट्रेन भी अपने आप में बहुत फास्ट है, वो अपनी तरफ से जितना स्पीड देना चाहती है बेचारी वो उतना देती है। हम उसको जैसा डिजाइन करते हैं, हम उसे जैसा आर्किटेक्ट करते हैं, वैसे वो चलती है, जिसे हम स्लो मोशन और फास्ट मोशन कहते हैं, अगर वो कंपैरिजन में हो तभी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन बहुत टाइप्स के होते हैं, हम इसमें कुछ चार टाइप्स के ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन है जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। द मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन। वैसा मोशन जिसमें हम स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल कोई बस जो है एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, हम लोग एक स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, एक स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं। मोस्टली ट्रेन भी स्ट्रेट पाथ पे चलती है, और वो बहुत सारे एग्जांपल है इसके जो कि स्ट्रेट लाइन। जैसे कोई परेड होती है, रिपब्लिक डे परेड, उसमें क्या मतलब वो घूम घूम के चलते स्नेक की तरह चलते हैं, जो हमारे परेड करने वाले सिपाही रहते हैं, जो कैडेट्स रहते हैं, जो वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। तो कहीं भी आपको इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कोई डाउट होगा इस वीडियो से, कोई भी डाउट, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर से जरूर दूंगा। अब देख लेते हैं हम सर्कुलर मोशन के बारे में। द मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वैसा मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ, एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जैसे सन एंड अर्थ। आप जानते होंगे कि अर्थ जो है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करता है, इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो है वो ऐसा मोशन है जिसमें एक फिक्स्ड एक्सिस होता है। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि अर्थ का एक फिक्स्ड एक्सिस रहता है जिसमें वो घूमती है, तो अर्थ भी जो है यहाँ पे उसका जो मोशन है एक्सिस पे, उसे भी हम रोटेशनल मोशन में गिनेंगे।
इसमें आप देखिए, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो है वो रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। रोटेशनल मोशन जो है वो अपने ही एक्सिस में होगा, लेकिन सर्कुलर मोशन किसी के किनारे में होगा। दोनों में बहुत फर्क है। एक एक जगह पे फिक्स्ड होके घूम रहा है और एक अलग जगह पे जाके घूम रहा है। ये दोनों एकदम अलग अलग मोशन है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। द मोशन विच रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। वैसा मोशन जो कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से होता है, जैसे अर्थ जो है रोटेट कर रही है, आज अभी दिन हुआ फिर रात हुआ। अब ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए रात ही हो गया, नहीं, अगले दिन फिर सुबह होगा, फिर रात, फिर सुबह, फिर रात, फिर सुबह, फिर रात, यही चलते जाता है। इसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आज 12 घंटे का दिन हुआ और कल 25 घंटे का दिन हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज जितने टाइम का दिन हुआ उतना ही कल होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वैसे ही एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, सब एक ही टाइम पे आते हैं। पीरियोडिक टाइम के बाद आता है, फिक्स टाइम है उसका। आपके घर में पेंडुलम क्लॉक होगा, वो भी उसका जो बॉब होता है वो फिक्स टाइम के बाद, जैसे उसका टाइम रहता है 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, तो फिक्स टाइम के बाद अपने वापस पोजिशन पे आ जाता है। इसे हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट है स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यानी अभी हमने बात किया था कुछ देर पहले ट्रेन के बारे में, ट्रेन की स्पीड क्या बोली थी। मान लीजिए ट्रेन है, वो 300 या 200 या 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड में किलोमीटर पर आवर है क्यों हुआ, ये सोची जरा। हम उसको मिलीग्राम क्यों नहीं बोलते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम होता है, यानी पर यूनिट टाइम में होता है। जितना डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने किस में होता है, ये आइडर मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है, वही टाइम किस में होता है, सेकेंड में होता है, नहीं तो फिर आवर्स में भी होता है, मिनट्स में भी होता है। तो इसी को डिस्टेंस जो है पर यूनिट टाइम, यानी एक फिक्स टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसे कहीं किलोमीटर पर आवर दिया गया है। इसका मतलब है कि आगे जितना ही वैल्यू दिया गया है उतना किलोमीटर एक घंटे में उसने तय किया। अगर मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड में उसने इतना मीटर तय किया। कहीं कहीं पर किलोमीटर पर सेकंड भी रहता है, इतना किलोमीटर उसने एक सेकंड में तय किया। अब तो आप बोले सोचेंगे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, तो लाइट की स्पीड याद करिए। लाइट की स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसको हम किलोमीटर पर सेकेंड में भी कर सकते हैं, तब भी ये बहुत बड़ा यूनिट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा स्पीड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसे हम पहचानेंगे कैसे कि स्पीड हम निकालेंगे कैसे। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। मान ये एक टाइप से मैथमेटिक्स का इक्वेशन बन जाएगा। मान लीजिए कि कोई बर्ड है, वो बर्ड एक घंटे में 10 किलोमीटर का दूरी तय करती है, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 10 किलोमीटर, वही टोटल टाइम क्या हुआ 1 आवर्स। तो इसका हो जाएगा स्पीड 10/1 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए, कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा दिया गया रहता है कि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन उसको बनाना है मीटर पर सेकंड में, या 1 किलोमीटर पर आवर में है और 1 मीटर और 1 सेकंड में है, यानी 1 किलोमीटर है और 1 सेकंड है। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए या तो हम किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, या आपकी मर्जी पे है। नेक्स्ट वीडियो के जो क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट टू का जो क्वेश्चन रहेगा, उसमें हम ये सब सम्स दिखाएंगे कि क्या कन्फ्यूजन होता है ये सब में, तो उस वीडियो को फिर चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का कई बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे हमने बताया किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। वैसे ही यूनिट भी दो टाइप्स के होते हैं, सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट।
SI यूनिट और CGS यूनिट। CGS यूनिट में पहले बहुत कंफ्यूजन होता था, इसलिए उसके बाद SI यूनिट आया। यह आपने पिछले क्लास में जरूर पढ़ा होगा। अब हम जान लेते हैं कि SI यूनिट का स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड है, क्योंकि हमने बता ही दिया कि मीटर जो है एक डिस्टेंस है और वही सेकंड जो है यूनिट टाइम है। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, मोशन और भी टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन, उसके बाद हमने चार टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। अभी वो खत्म नहीं हुआ है, सब अलग अलग बेसिस पे है। अब यहाँ पे देखिए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके यूनिफॉर्मिटी पे बेस्ड है, कितना यूनिफॉर्मली वो चलता है। इसके नाम से ही आपको सजेस्टेड होगा कि नॉन यूनिफॉर्म यानी जो यूनिफॉर्मली नहीं चलता है, और यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसा मोशन जिसमें आपकी स्पीड चेंज होते रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कोई भी कार है, अगर आप वो ट्रैफिक जाम में फंस गई तो वहाँ पे स्पीड आपकी 0 किलोमीटर पर आवर, कुछ देर बाद फिर थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक जाम कम होने लगा तो वो हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर एकदम पूरा रोड खाली है तो तुरंत हो गया 90 किलोमीटर या 80, कुछ भी जो आपकी स्पीड का मन है। वो एक यूनिफॉर्मली नहीं चल रहा, वो कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये मेनली कार्स ट्रेन इसी मोशन में चलते हैं। वहीं और ध्यान रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है कि 3 ही सेकंड के लिए हो, लेकिन इसका एक फिक्स टाइम रहता है। वो स्मॉल हो सकता है, बिग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वैसा मोशन जो कि कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रहा हो और एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, ध्यान रखिए वो कर्विलीनियर मोशन नहीं होना चाहिए, कहीं पे कर्व नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट। आप बोलेंगे कि ऐसा किसका एग्जाम्पल है, तो आप जो एरोप्लेन पे बैठते हैं वो क्या घूम घूम के रोड के ऊपर से जाती है? नहीं, वो तो बीच से जहां से उसको रास्ता मिलता है वो एकदम स्ट्रेट लगभग कॉन्स्टेंट स्पीड पे कुछ टाइम के लिए चल जाती है, जिसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। हम टाइम को मेजर कैसे करते हैं? जैसे अब हम हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स, वॉच, डिजिटल क्लॉक्स, क्वार्टर क्लॉक्स, ये सब होते हैं। लेकिन पुराने जमाने में क्या क्लॉक्स होते थे? पुराने जमाने में क्या ये स्मार्टफोन होते थे जिससे आप भी पढ़ रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो टाइम कैसे पता लगाते थे? तो टाइम पता लगाने का एक फिक्स्ड इंटरवल में एक बहुत मज़ेदार ट्रिक था उन लोगों के पास, कि आप देखते होंगे कि दोपहर के जब 12 बज जाते हैं तो सन एकदम ऊपर में आ जाता है, उससे शैडो सबसे स्मॉलेस्ट बनता है। अगर जब शाम ढल रही हो या सुबह हो रहा हो तो उस समय सन की रोशनी के कारण वो एकदम टिल्टेड रहता है, जिसके कारण कि हमारा शैडो बहुत लॉन्ग बनता है। इसी चीज से वो पहचानते थे कि अभी इतना टाइम हो रहा है, अभी दिन हो रहा है, अभी रात हो रहा है। लेकिन बाद में जब नए नए क्लॉक्स, पेंडुलम क्लॉक्स आए, स्क्वार्टेज क्लॉक्स आए, तो उनमें ग्रीनिच मीन टाइम, जो कि ग्रीनिच है जगह लंदन में, वहां से टाइम लेके बहुत सारे जोन्स में बांटा गया, जो कि आपने क्लासिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उससे इस चैप्टर में बहुत चीज रिलेटेड है, तो उसको भी आपने ध्यान से पढ़ लेना। मेजरमेंट ऑफ टाइम। आजकल के दिनों में हम क्लॉक्स, वॉच, ये सब को यूज करते हैं, इवन स्मार्टफोन्स में भी हमारे पास बहुत टाइम रहता है। लेकिन क्या पुराने जमाने में भी लोगों के पास स्मार्टफोन्स रहता था, क्लॉक्स, वॉचेस, जो पुराने जमाने से आ रहे हैं? नहीं, उतना पहले भी तो ये सब नहीं थे। तो उस टाइम लोग कैसे मापते थे कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है? ये सब को मापने के लिए वो जब सनराइज होता है तो उसे हम वो लोग मॉर्निंग मानते थे, जब सनसेट होने वाला है तो इवनिंग, और अगर क्या बोलते रात होके फिर सुबह हुई, सनराइज हुई, तो उसे वो नेक्स्ट डे मानते थे। ऐसे एक मंथ लूनर कैलेंडर होता था, सोलर कैलेंडर होता था, जो कि सन मून ये सब पे बेस्ड होता था।
उसके बाद फिर पेंडुलम क्लॉक्स आया, जिसने कि फिर क्लॉक्स, वॉचेज और बहुत सारे क्लॉक्स बनाए। अब हम पढ़ लेते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम क्या होता क्या, अभी हमने पढ़ा पेंडुलम। पेंडुलम होता क्या है आखिर? तो पेंडुलम वैसा चीज है जिसमें एक वैसी घड़ी है जिसमें एक स्मॉल मेटेलिक बॉल होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक स्मॉल मेटेलिक बॉल है जिसे हम बॉब कहते हैं, और यहाँ पे एक लॉन्ग थ्रेड होता है और यहाँ पे एक सपोर्ट रहता है। अब ये देखिए, इसमें जो ये टू एंड फ्रो, यानी इधर से उधर, इधर से उधर, आपने अपने दादाजी के पास, नाना जी के पास, या आपके घर में कोई भी एल्डर्स हैं तो उनके पास देखा होगा कि हो सकता है कि वो पेंडुलम क्लॉक यूज कर रहे हों। उसमें आपने देखा होगा कि एक बॉब होता है, तो बॉब जो है वो ऑस्किलेटरी मोशन करता है। अब ऑस्किलेटरी मोशन जो है, पीरियोडिक मोशन को ही हम ऑस्किलेटरी मोशन भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो मेटल का होता है, मेनली बॉब जो होता है वो एक मेटल का होता है, और ये मेनली रेस्ट पे रहता है। जब हम इसे फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं तो इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन रहता है और एक मीन पोजीशन। जहां पे ये रेस्ट में रहता है उसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, और जहां ये सबसे हाई पॉइंट पे उस टाइम जाता है उसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। इसका कुछ टाइम रहता है, जैसे देखिए यहां से हमने छोड़ दिया, अब यहाँ गया, फिर यहाँ वापस लौटा, तो इसको वापस लौटने में जितना टाइम लगा इसे हम मेजर करके हम क्लॉक्स को बनाते थे उस टाइम। और ये बहुत सस्ते भी होते थे उस टाइम के हिसाब से, जिसके कारण कि इन्हें मार्केट में ज़्यादा यूज किया जाने लगा, और लोगों ने सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर, सन मून को देखने के बजाय इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ये जो एक ऐसे मोशन करते हैं इसे हम ऑस्किलेशन कहते हैं, यानी एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करना। नेक्स्ट है, इसको मोशन ऑफ पेंडुलम को सबसे पहले गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट है, बहुत महान साइंटिस्ट है गैलीलियो, उन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम देखा कि एक ऑस्किलेशन में यह हमेशा सेम टाइम ले रहा है, यानी इसका टाइम जो है चेंज नहीं हो रहा है, वो एक ऑस्किलेशन में हमेशा सेम ही टाइम लेता। इसी ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने पेंडुलम क्लॉक्स डेवलप किए, जिसने आगे चल के क्वार्टज वॉचेज, डिजिटल वॉचेज, ये सब का शेप साइज लिया। अब हम देख लेते हैं टाइम एंड स्पीड के यूनिट। देखिए, जो टाइम होता है उसका बेसिक यूनिट सेकेंड है। अब 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट से, और वही 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर्स, ऐसे ही 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे, एंड 30 डेज इक्वल्स टू, नॉर्मली 30 डेज होता है, अब सब टाइम अलग अलग, कभी 31 कभी 29, ऐसे ही 30, एक एवरेज 30 होता है, तो एवरेज 30 डेज का होता है एक मंथ, फिर 12 मंथ्स का एक ईयर, और ऐसे ही 100 ईयर्स का एक सेंचुरी, ऐसे ही चलते जाता है डिकेड्स, बहुत सारे इसके यूनिट हैं। तो मेन इसका यूनिट जो है, जो बेसिक यूनिट है वो सेकंड है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लार्जर यूनिट है मिनट, आवर्स, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। अब हम स्पीड को कैसे मेजर करेंगे? तो स्पीड तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और हमने जान लिया कि इसलिए ये मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में होगा, लेकिन इसको हम मापते हैं स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये सब एक यंत्र है, एक डिवाइस है जिससे हम स्पीड को मापते हैं। तो अभी हम स्पीडोमीटर, ओडोमीटर सबके बारे में अभी हम जानते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीडोमीटर के बारे में। द स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ अ व्हीकल व्हेन इट इज मूविंग। आपने देखा होगा, अगर आप कहीं आपके पास कोई कार है तो उसमें आपने जरूर देखा होगा, कोई बाइक भी है, कि एक पॉइंटर रहता है जिससे हमें पता चलता है कि वो कितनी स्पीड पर चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर है या 40 किलोमीटर पर आवर है, हो सकता है 50 किलोमीटर पर आवर भी हो, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। तो उसको मेजर करने के लिए कि उसकी स्पीड कितनी है, इसके लिए हम स्पीडोमीटर यूज करते हैं। ये मेनली किलोमीटर्स पर आवर या माइल्स पर आवर में हमें दिखाता है।
और एक और इंस्ट्रूमेंट होता है स्पीडोमीटर के सिवाय, जिसे हम ओडोमीटर कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो है कि एक व्हीकल जो रहता है उसके द्वारा अभी तक में जब से आपने उसको यूज करना शुरू किया है तब से लेके अब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है सब रिकॉर्ड वो करके रखता है। इसी से हमें पता चलता है कि वो व्हीकल कहीं पुराना तो नहीं, और ये जो है हमें ये भी बताता है कि आज तक हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सब कुछ सिर्फ ओडोमीटर के हेल्प से बताया जा सकता है। ये दोनों बहुत यूजफुल चीज़ें हैं, बहुत यूजफुल डिवाइस है जो कि स्पीड मापते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सम्स क्लास 9-10 में देखने को मिल जाएंगे। तो इसको अभी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए एक ग्राफ है, इसमें हमें ड्रॉ करना होता है डिस्टेंस और टाइम को। तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है। ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स How the distance traveled by a moving object changes with time, यानी time के साथ में कैसे change होता है। अभी हम इसको draw करना भी सीख लेते हैं पहले। To draw a distance time graph, हमें सबसे पहले एक graph paper चाहिए। उस graph paper पे हमें YOY axis and XOX axis, यहाँ देखिए X dash का मतलब होता है X का negative, और Y dash यानी Y negative। ये y पॉजिटिव है एंड ये x पॉजिटिव है। मेनली हम इसी एरिया में कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहता है वो इसी एरिया में ड्रॉ किया जाता है। अब आप इसको उल्टा किसी भी तरह से और भी तरह से ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे y एक्सिस को यहाँ लेके और x एक्सिस को वहीं। यानी ये जो है इसको थोड़ा सा आपको घुमाना, रोटेट करना होगा, और बहुत सारे तरीके रहते हैं इसको ड्रॉ करने के। मेनली हम डिस्टेंस को इस तरफ में लेते हैं, यानी वाई ओ वाई एक्सिस के यहाँ पे लेते हैं, ओ वाई के बीच में मेनली लेते हैं, और वही स्पीड को हम ओ एक्स के बीच में लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले हमें ये ग्राफ चाहिए, उसके बाद हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे हम मान लीजिए ये ओवर है, वन ओवर में कितने रन्स हुए, वन रन्स, टू सेकेंड ओवर में 5 रन्स, थर्ड ओवर में 3 रन्स, फोर्थ ओवर में 10 रन्स, फिफ्थ ओवर में 2 रन्स, सिक्स्थ ओवर में 6 रन्स। तो यहाँ देखिए ये ग्राफ बनाया हुआ है। इसी ग्राफ को हम बहुत टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, पहले हमने यहाँ पे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ देखिए सबसे पहले ओवर 1 है तो यहाँ 1 हुआ, रन्स कौन सा है 1 रन हुआ तो यहाँ 1 के पास में कर दिए। वैसे ही यहाँ 5 के पास में, यहाँ 3 के पास में, यहाँ 10 के पास में, यहाँ 2 के पास में, और यहाँ 6 के पास में। इसी तरीके से हम मेन ये जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि मेन बनाया जाता है यही है, ऐसे हमें ड्रॉ करना होता है। मान लीजिए कोई कार है और वो जो है 1 किलोमीटर में कितना टाइम में तय करती है, 1 मिनट में, सेकेंड किलोमीटर सेकेंड मिनट में, थर्ड किलोमीटर थर्ड मिनट में, फोर्थ किलोमीटर फोर्थ मिनट में, फिफ्थ किलोमीटर फिफ्थ मिनट में। अब हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ 3 मिनट्स में यह टाइम है, ये मेनली सेकेंड्स में होता है नहीं तो आवर्स में होता है, यहाँ पे मिनट्स में दिया गया है इसलिए मिनट्स में है। अब सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 1 का 1, 2 का 2, और यहाँ देखिए 3 का 3। तो ये देखिए रियल डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब सबसे पहले यहाँ डिस्टेंस लिखा है किलोमीटर्स में, 0 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स एंड 5 किलोमीटर्स, कारण यहाँ 5 तक दिया गया है। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं वाई एक्सिस पे, यहाँ पे इतनी स्पेस थी इसलिए इतना ही लिखा गया है। अब देखिए ये भी 0 मिनट्स, 1 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, ऐसे ही। अब देखिए यहाँ मिनट्स में किस लिए लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे डाटा मिनट्स में दिया गया है। अगर आवर्स में होता तो यहाँ आवर्स में होता, अब मान लीजिए मीटर्स में दिया होता डिस्टेंस तो ये भी मीटर्स में होता। जैसा ग्राफ दिया गया वैसा ही बनाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा इजी होगा और वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए अभी आप ऐसे ही बनाइएगा। अब देखिए
एक मिनट में हम फिर ऊपर की ओर में ड्रॉ कर लेते हैं लाइन ग्राफ, तो आपने देखा ही है कैसा होता है, उसमें बहुत इजी होता है देखना। अब उसके बाद फिर हम देख लेते हैं डिस्टेंस को, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। यहाँ से हम मार्क करेंगे ऐसे हल्का सा लाइन, और यहाँ से जहाँ मीट कर रहा है वहाँ एक डार्क पॉइंट दे देंगे, वैसे 2 का भी 3 का 4 का एंड 5 का। अब 5 डॉट को हम एक एक करके जोड़ देंगे। अब देखिए हमेशा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा ही नहीं होगा, मिसकंसेप्ट बिल्कुल भी मत होइएगा। यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ देखिए 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 2 किलोमीटर 2 मिनट में 3 किलोमीटर 3 मिनट में, यानी किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये चल रहा है, जो कि एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता, हो सकता था कि वो ऐसा होता या ऐसा होता, कुछ भी हो सकता है, यहाँ बहुत तरह का हो सकता है। वो देखिए हो सकता है कि वो ऐसा होता, ऐसा भी होता, कुछ कुछ में केसेस में तो ऐसा भी होता है। देखिए ऐसा, ये बहुत टाइप के ग्राफ होते हैं। अभी मैं आपको सबके बारे में बता भी देता हूँ। कहीं भी आप अगर 13 लाइन देखेंगे तो वो जो है वो कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए ऐसा है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट मिनट में यह कहाँ पे मीट हुआ, मान लेते 2 में मीट हुआ, तो यानी ये हुआ 2। वही देख लेते 3, 2 में क्या हुआ, यहाँ पे 4 में मीट कर रहा है, यानी ये जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे ग्राफ में मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, यानी इतना फेयर ग्राफ नहीं है। अब हम दूसरा टाइप के ग्राफ की बात कर लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का रहता है। अब आप सोचेंगे कि ऊपर से कैसे आ रहा है, तो ऐसा इसीलिए होता है, मान लीजिए कोई गाड़ी पहले से मोशन में है, अब वो धीरे धीरे स्लो कर रही है अपना स्पीड, तो जैसे जैसे स्लो करेगी वैसे वैसे उसका क्या ग्राफ तो गिरते जाएगा, क्योंकि वो जितना टाइम है वो तो सेम रेशियो में रहेगा, लेकिन उसका डिस्टेंस धीरे धीरे कमते जा रहा है, कमते जा रहा है। इसे हम क्या कहेंगे कि उसका ये जो स्पीड है वो फॉल कर रहा है, और ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऐसे भी वो फॉल करता है, ऐसे ही फॉल करता है। अब कुछ कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि वो ऐसे रहता है। ऐसा तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, यानी वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, मोशन का जस्ट अपोजिट। तो वैसे में क्या होगा कि पोजीशन, इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोला जाता है। यहाँ देखिए मान लीजिए एकदम वो स्ट्रेट है 4 के साथ में, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 4 जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यहीं पे वो रुका हुआ है, लेकिन टाइम तो उसके लिए नहीं रुकेगा, टाइम उसके लिए थोड़ी रुक सकता है, वो ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी टाइम नहीं रुकेगा, कोई टाइम को रोक नहीं सकता, टाइम हमेशा मूव करते रहता है। इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये रेस्ट पे है, और रेस्ट को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। एक और काइंड का ग्राफ होता है जिसे हम पाई चार्ट बोलते हैं। पाई चार्ट देखिए एक सर्कल होता है। अब ये 3D, यहाँ पे हमने 3D दिया है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा 3D बनाएं, 3D नहीं जल्द बनाया जाता है, ये होता है मेनली 2D, यानी ये एक सर्कल जैसा होता है। अब इसी को अगर हम 2D में ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा। ये मैं हाथ से रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मेरी ड्रॉइंग पे आपको हंसना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये अदर गैसेज हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये जो बाकी 78% नाइट्रोजन हो गया। इस तरह से भी हम डिस्टेंस टाइम को शो कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसे अपने दोस्तों के साथ फैलाना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए नमस्कार।